दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और मैं इस वक्त खड़ा हूं JNU के बाहर, जहां कल खासा फसाद हुआ। आर्म्ड मिस्क्रिएंट्स नकाब पहने हुए यूनिवर्सिटी में घुस आए, उन्होंने मारपीट की। जो यहां की छात्र संघ की अध्यक्ष है उसका सर फूट गया, कुछ प्रोफेसर्स, दूसरे रिसर्चर्स, अन्य स्टूडेंट्स भी घायल हुए, करीब 20-25 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। सबसे पहले मैं अपना सोच आपको बता दूँ कि मैं क्या हूँ, मैं क्या सोचता हूँ। मैं एक ऐसी माइनॉरिटी में स्वयं को इस समय पाता हूँ जो कि मध्यम मार्ग में है, जो सेंट्रिस्ट है, जो ना खाटी लिबरल सेक्युलर वाली जमात का हिस्सा है। मुझे JNU के जब यहाँ पे आंदोलन होते हैं तो कई नारों से मुझे हंसी नाइतफाकी रहती है, कश्मीर की आज़ादी या अफजल तेरे हत्यारे जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, मुझे ये बातें कभी पसंद नहीं आई। कन्हैया कुमार का मैं बड़ा प्रशंसक हूँ, उसका वाक पटुता उसको सुनने में बहुत आनंद आता है, लेकिन कई सारी बातें मुझे उनकी सही नहीं लगती और मुझे पसंद नहीं आती और मैं उससे इतफाक नहीं रखता। उसी तरह से मैं उस सोच से भी इतफाक नहीं रखता जो बिल्कुल दूसरी तरफ होता है, एक्सट्रीम राइट की तरफ, जो हमेशा ये कहता है कि हर बात पे हमें अपनी राष्ट्रभक्ति का जैसे इम्तहान पास करना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं रहें भारत में, हम हिस्सा नहीं बने। हर चीज़ पर वो प्रूफ मांगते हैं, बहुत ही अग्रेसिव हैं, बहुत ही एक कॉम्बैटिव अग्रेसिव और काफ़ी एक अजीबोगरीब सी हरकतें करते हैं। तो ना खाटी लिबरल ना राइट विंगर, एक ऐसा सेंट्रिस्ट, आम भारतीय की आवाज़, उस भारतीय की आवाज़ बनने का आज मेरा प्रयास है जो अपने को इन दोनों पार्टों के बीच में पाता है। तो मैं इस सिचुएशन को कैसे देख रहा हूँ आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मेरे ख्याल से चाहे हम JNU के छात्रों से, उनकी विचारधारा से इत्तेफाक रखें या नहीं रखें, लेकिन कल जो यहाँ पे हुआ है रविवार के दिन, जिस तरह से गुंडागर्दी हुई है, जिस तरह से मारपीट हुई है, जिस तरह से आतंक का नंगा नाच दिल्ली राजधानी शहर में हुआ है, वो बेहद शर्मनाक है, अफसोसजनक है और बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। देखिए, हम किसी भी विचारधारा से सहमत हों असहमत हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और खासकर छात्र राजनीति में जहाँ एक युवा सोच आता है नई उमंग के साथ, नए सोच के साथ, अपनी विचारधारा के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, एक आइडियलिज्म के साथ, चाहे वो राइट में हो, चाहे लेफ्ट में हो, चाहे सेंटर में हो, कम से कम उस आवाज़ को, जो हमारा संविधान है, जो हमारा देश है, जिसको मैंने पिछले 35-36 साल तो एक रिपोर्टर के बनाम देखा है जरिए से, उसमें अगर उसको अपने मन की बात कहने की स्पष्ट आज़ादी नहीं है तो फिर तो बचेगा क्या इस देश में। तो निहायत ही कंडेमनेबल है जो कुछ भी कल हुआ, और इसमें अब ये कोई बहुत रॉकेट साइंस की बात नहीं है, कोई बहुत जांच पड़ताल की बात नहीं है, जिस पक्ष के लोगों को ज़्यादा चोट पहुंची है, अब उसके लिए कहा जा रहा है कि दोपहर में वहाँ पे AVP के लोगों को भी चोट पहुंची, बिल्कुल पहुंची होगी, मैं कोई जांच आयोग नहीं हूँ, ना मुझे पूरी बात की जानकारी मिल सकती है। लेकिन एक होता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में स्टूडेंट के ग्रुप्स आपस में भिड़ जाएँ, अच्छा तो ये हो कि उनकी जो भी भिड़ंत हो, जो भी टकराव हो, बातों तक, जिरह तक और एक डायलॉग तक, चाहे वो कितना भी अग्रेसिव और कॉम्बेटिव नहीं हो, वहीं तक सीमित रहे। लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कभी कभी हम हिंसा भी देखते हैं, दो ग्रुप्स के क्लैश भी देखते हैं, लेकिन ये दो ग्रुप्स का क्लैश कतई नहीं, ये बहुत ही सुनियोजित और हथियारबंद ढंग से एक विचारधारा के लोगों पर कल शाम किया गया हमला था। तो और ठीक दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे जिस तरह से उसको अंजाम दिया गया, जिस तरह से वो हाथ में हाथ बांधे खड़े रहे, JNU के प्रशासन की जो रवैया था वो भी कंडेमनेबल है, उसकी भी आलोचना होनी चाहिए, क्या कर रहे थे यहाँ के डीन, प्रॉक्टर्स, वाइस चांसलर वगैरह वगैरह। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कम से कम हम अपने भारत को ऐसा तो रहने दें, अपने बच्चों के लिए ऐसा तो देश छोड़ के जाने की स्थिति में रहें जहाँ जो आदमी जो सोचे बोले उसको बोलने की आज़ादी हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। हम उससे सहमत नहीं हूँ और मैं जानता हूँ ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो JNU के सोच से, उसकी विचारधारा से सहमत नहीं है, जामिया की सोच और उसकी विचारधारा से शायद सहमत नहीं है, लेफ्ट ऑफ सेंटर सोच और विचारधारा से सहमत नहीं है, और वो तो बात स्पष्ट हो गई ना चुनावों में, एक बड़ी संख्या में लोगों ने उस विचारधारा के खिलाफ मत दिया। लेकिन क्या हम एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जहाँ उस विचारधारा के लोगों को हम इस तरह से पीटेंगे? मेरी तो राय है कि कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इस हिंसा की बहुत मन से और स्ट्रांगली मैं आलोचना करता हूँ, और BJP की सरकार है केंद्र में, दिल्ली पुलिस उनके अंडर में है, अमित शाह गृह मंत्री ने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, लेकिन बात बड़ी साफ है कि अगर
जिन्होंने कल इस तरह की गुंडाई मचाई, आतंक का तांडव किया जेएनयू कैंपस में, अगर उनके खिलाफ आने वाले दिनों में कार्रवाई नहीं होती है तो बीजेपी और उनकी सरकार को उस आरोप से बचना बहुत मुश्किल होगा कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को उनकी शह प्राप्त है। और मुझे नहीं लगता कि मोदी जी और अमित शाह को ये सब ऐसे लोगों को प्रशय देने की कतई आवश्यकता है। अगर बाई चांस वो दे रहे हैं तो इस राइडर के साथ में कह रहा हूँ, क्योंकि वो लोकप्रिय हैं, उनको देश चलाने का, संचालन करने का जनता ने मौका दिया और भरपूर दिया, झोली भर के वोट और लोकसभा में सीट्स दी, तो उनका पूरा प्रयास ये होना चाहिए कि इस तरह के वायलेंस और हिंसा के खिलाफ खुल कर आए और स्टूडेंट्स को और अलग अलग विचारधाराओं को, जैसे गांधी जी ने कहा था कि भाई ये तो वैसा मुल्क है जहाँ जितनी दिशाओं से हवाएं आएंगी, जितनी दिशाओं से सोच आएगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, और यही भारत की खासियत है। आफ्टरऑल ना तो हम चीन के रास्ते में जाना चाहते हैं, ना उन इस्लामिक राष्ट्रों पाकिस्तान समेत वैसा देश बनना चाहते हैं जहाँ विरोधी आवाज़ को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा। तो बहुत लंबी बात करने की बजाय मैं कहूँ कि मैं उस भारतीय के नारे बोल रहा हूँ जो स्वयं को इन दो पार्टों के बीच में कहीं पिसता हुआ देख रहा है, लेकिन आज मेरा मत बिल्कुल स्पष्ट है, आज मैं दो पार्टों के बीच में नहीं हूँ, कि जेएनयू में जिस तरह से हिंसा हुई है वो भर्त्सना योग है, उसकी जितनी कंडेमनेशन की जाए वो कम है, और उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जो नकाब पहन के बहुत ही एक शर्मनाक और कायराना अंदाज में घुसे कैंपस में और लड़कियों तक पे उन्होंने लाठी और अपने हथियार बरसाए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, और एक बार फिर उस सेंट्रिस्ट भारतीय की आवाज़ है न जो खाटी लिबरल है, न राइट विंगर है, जो एक आम भारतीय है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी राजनीतिक विचारधारा से बंधे हुए हों, किसी खूंटे से बंधे हुए हों, हम अपना मत मुद्दों के आधार पर भी तय कर सकते हैं, किसी विषय पर हम दक्षिणपंथी विचारधारा के साथ सहमत हो सकते हैं, किसी पर वामपंथी के साथ ब्रॉडली, लेकिन इस तरह की हिंसा का हमारे आज के भारत में और भविष्य के भारत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबसे ये विनती भी करता हूँ कि प्लीज़ लोगों को अपनी राय प्रकट करने का मुखर रूप से पूरा मौका दें, बिना हिंसा के, बिना टकराव के, बिना हमारे समाज जो पहले इतना विभाजित हो रहा है इस समय उसमें और ज़्यादा विष पैदा किए। बस इतना ही आज के लिए, मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।